हम पॉजिटिवली लें। और ये एक ऐसी संस्था है जो स्लम के बच्चों को, छोटे बच्चों को नशा से दूर रखने में एक इतना बड़ा प्रयास कर रहा है। जो बच्चे कहीं और कुछ ना करने की सूरत में सिर्फ नशे की तरफ जा रहे थे, वो उनको एक राह मिल गई है, एक ऐसा ट्रैक मिल गया है, इन्होंने एक ऐसी राह दिखाई है, हाथ पकड़ कर चलना जैसे माँ बाप सिखाते हैं, ये दूसरे उसके माँ बाप बने हैं जिन्होंने उनको एक ऐसी राह दिखाई जिससे बच्चे नशा को तो बिल्कुल भूल ही गए, उनमें आगे बढ़ने के लिए ऐसा जोश और ऐसी भावना पैदा हुई और जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम, एक एक छोटे बच्चे के मुंह से मैं ये सुन रही हूँ जो मैंने पिछले 10-12 साल में किसी बच्चे के मुंह से सुना ही नहीं, उनको ये सब सोचने का मौका ही नहीं मिला। उनको अब ये मौका मिल रहा है, नए नए पायदान दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिट दिखाई दे रही है, खेल का जज्बा दिखाई दे रहा है और यही खेल भारत को भारतवर्ष बनाता है, दुनिया में एक नया ऊंचाई दिलाता है। भारतवर्ष को किस नाम से पूजा जाता है आजकल? सचिन तेंदुलकर, भारतवासी। अच्छा आप सचिन जी, अच्छा अच्छा हिंदुस्तानी है आप, नमस्कार। धोनी जी, विराट जी, हमारे हॉकी के जादूगर, जो भी है स्पोर्ट्स के जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं, जो स्पोर्ट्समैन हुए हैं बड़े बड़े, उनके देश, उनसे ही हमारे देश का नाम चल रहा है। और कितने नए स्पोर्ट्समैन सुनील जी की कृपा से अब हमारे देश में अवतार लेंगे, ये आज के 4-5 साल बाद हम लोग खुद ही देखेंगे, कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो नया धोनी, नया विराट और नया शहंशाह पैदा करना, उसको खड़ा करना, उसको मार्गदर्शन देना, जो सुनील जी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, जो भी ये कहेंगे हम करेंगे और हम इनका साथ देंगे, पूरी मातृशक्ति इनके साथ है। जय हिंद, जय भारत।